गुड मॉर्निंग क्लास 7, दिस विल बी योर 10th लेक्चर. बेटा ये आपका 10th लेक्चर है साइंस का, जिसमें हम एडिशन ऑफ कंपोस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो कंपोस्ट इज मेड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो कंपोस्ट कैसे बनता है? कंपोस्ट बनता है डीकम्पोजिशन से. डीकम्पोजिशन क्या होता है बेटा? उसमें क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कह सकते हो आप खत्म करते हैं. ठीक है, खत्म करते हैं या कह सकते हो खाते हैं. ठीक है, तो जब वो उसे खाते हैं तो बट ऑब्वियस है उसमें वो वेस्ट प्रोडक्ट भी निकालेंगे. ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट जब वो निकालते हैं तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वही आपका कंपोस्ट होता है. ठीक है, मतलब जो कीड़ों का वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे लिए कंपोस्ट है. ठीक है, तो कंपोस्ट इज मेड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कंपोस्ट इज एन ऑर्गेनिक मेन्योर दैट इनरिचेस द सॉइल एंड इट इज एडेड इन द सॉइल फील्ड टू मेक अप फॉर द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट. तो कंपोस्ट बेटा बायोडिग्रेडेबल होता है, नेचुरल होता है. ठीक है, और ये सॉइल की सारी न्यूट्रिएंट की डिमांड को फुलफिल करता है. ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये नेचुरल होता है, मतलब ये केमिकल नहीं होता है. ठीक है, ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स. तो इसके बारे में बेटा हम पढ़ चुके हैं कि सिम्बायोटिक नेचर में जहाँ पे आपके लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं, तो वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स अगर हम ग्रो करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारा न्यूट्रिएंट का ग्रोथ इंक्रीज करेगा सॉइल में. ठीक है, वंस द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड द फार्मर्स प्रेफर टू ग्रो सम स्पेशल क्रॉप कॉल्ड लेग्यूमिनस क्रॉप. लेग्यूमिनस क्रॉप्स सच एज पीज, बीन्स, ग्राम्स, पल्सेस एक्सेट्रा हैव राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर रूट नोड्यूल्स. These bacteria convert atmospheric nitrogen into plant usable form and soil regain its fertility. Farmer need not to supply nitrogenous fertilizers in the field if legumes are grown. ठीक है, तो अगर आपका leguminous plant आपने grow किया है तो nitrogen वाला fertilizer आपको add नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करना चाहिए farmers को कि after growing any crop उसे हर एक क्रॉप के बाद लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो करना चाहिए. उससे क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन का जो न्यूट्रिएंट है उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है सॉइल में. ठीक है, तो ये है ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप. फिर आ जाता है क्रॉप रोटेशन. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप इन द सक्सेशन ऑन द सेम लैंड चीफली टू प्रिजर्व द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. ठीक है, तो हम एक ही साथ अलग अलग क्रॉप को जब ग्रो करते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के क्रॉप को जब ग्रो करते हैं तो इससे क्या होता है, आपके जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो बची रहती है. कैसे बची रहती है? क्योंकि अलग अलग टाइप का जब आप क्रॉप एक साथ ग्रो करते हो तो कहीं ना कहीं कुछ क्रॉप्स जो आपके न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, वहीं कुछ क्रॉप आपके न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश कर रहे हैं. ठीक है, मतलब वो वापस से सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, वहीं कुछ क्रॉप उन्हें यूज कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं जो हमारा सॉइल है वो सेम प्रोडक्टिविटी के साथ लगातार क्रॉप को ग्रो करा सकता है. ठीक है, मतलब उसमें आपका कोई भी न्यूट्रिएंट कम नहीं होगा क्रॉप रोटेशन की वजह से. ठीक है, ग्रोइंग सेम टाइप ऑफ क्रॉप अगेन एंड अगेन डिप्लीट्स द सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. हेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप शुड बी ग्रोन टू रिप्लेनिश डिफरेंट न्यूट्रिएंट इन द सॉइल. तो जब हम एक ही क्रॉप को लगातार ग्रो करते हैं तो क्या होता है, आपकी सॉइल की क्वालिटी डिप्लीट हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है. तो ऐसे में हम अलग अलग क्रॉप को लगातार ग्रो करें तो हमारे सॉइल की प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी. ठीक है, तो ये चीज है क्रॉप रोटेशन. चलिए, अब इसके बाद बेटा आपकी एक्सरसाइजेस आ जाती हैं. ठीक है, ये जो एक्सरसाइजेस हैं इसमें आपका है पहला तो टिक असेसमेंट टाइम, जिसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन है. फिर है फिल इन द ब्लैंक्स. फिर है मैच द कॉलम एंड स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. फिर है आंसर इन वन वर्ड या वन सेंटेंस लिखा है, वन सेंटेंस में आपको आंसर करना है. फिर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और फिर है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. तो बेटा इन्हें आप एक बार अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके आंसर्स के साथ फोटो प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, मतलब इनको तो जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन है, मैच द कॉलम है और स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स है एंड आंसर इन वन सेंटेंस है, इनको मैं यही बुक में फिल करके आपको प्रोवाइड करूंगा. एंड ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको अलग से मैं लिख के आपको दे दूंगा. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा आज के लिए कि आप
प्लीज ट्राई करिए इनके आंसर्स ढूंढने का, ठीक है? थैंक यू क्लास।